बजे मोरुली बेड़ा उची नीची डान्यों मां केले बजे मोरुली बेड़ा उची नीची डान्यों मां मन मेरा गाए मगन होके उची नीची ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ गांव का जो स्कूल है, जूनियर का स्कूल, तो वहाँ आज जो प्रिंसिपल मैम है उनका रिटायरमेंट है, तो आज उनकी विदाई है, तो आज विदाई पे हमें भी बुलाया गया वहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं और पापा वहाँ पहुँच गए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इस बात पर आया था कि जो विदाई का बताया था ना कि कैसे हो रही है, वो बड़ा मज़ेदार था। वो क्या था आपको वहीं जाके पता चलेगा, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को आज व्लॉग में। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में, और अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे स्कूल में। तो गाइज अभी हम पहुंचने वाले हैं पलेत, और पापा भी हमारे साथ में। आज पापा बहुत टाइम के बाद व्लॉग में आ रहे हैं ना, बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं ना, बहुत टाइम के, क्योंकि घर ही नहीं होते, कहाँ से आएंगे व्लॉग में, जब टाइम होगा तभी तो व्लॉग में आएंगे ना दिव्यांशी। और एक ही है, ये हर दिन मेरे व्लॉग में होती है ना दिव्यांशी। अब जाएगी, कल को जा रही है, अभी स्कूल जाएगी। तो अभी हम पहुंच गए पलेट, अभी नहीं खुल रहा। यहाँ देखो ये पहुंच गए, काफी दूर होता है, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लगते हैं घर से यहाँ पहुंचने में। तो गाइज पहुंच गए हम स्कूल में। आज का मेरा स्कूल में ना रोज ही हो रहा है आना, तो आज यहाँ स्कूल में देखते हैं क्या क्या होता है। आप बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। ढोल दमाओं के साथ आज बड़ी मैम की विदाई होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बज रहे हैं अभी ढोल, ये देखिए। गाइस बच्चों के लिए और जो बच्चों के अभिभावक आए हैं उन सब के लिए कुछ खाने का इंतजाम है, तो वो ये है कि बच्चों के लिए नमकीन बिस्किट और मिठाई और जूस ये सब तैयार किया गया है। गाइस प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, तो अभी सब बच्चे यहाँ पर लाइन में लग गए हैं और सब खाना खाएंगे, और सर यहाँ पर परोस रहे। आज देखते हैं क्या, जब भी मैं आती हूँ अंडा कढ़ी बनी होती है, पिछली बार भी अंडा कढ़ी बनी थी और उसके साथ चावल, और सारे बच्चे लाइन में है। आज यहाँ पर अभिभावक भी खाना खाएंगे। जानना चाहेंगे कि यहाँ खाना कैसा बनता है। बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ तो, बहुत अच्छा है ना, बच्चों के लिए बहुत सुविधा है। और आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। पहाड़ी में बहुत बढ़िया रहो, बहुत बढ़िया रहो, अंडा चपटी बना रहे हो, बहुत बढ़िया बना है, अंडा कड़ी और उसके साथ भात, और ये बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। कुसुमलता धामी मैम, हमारे बीच इस ग्राम पंचायत की प्रधान जी, मेरे सहयोगी भाई विक्रम सिंह जी, प्राइमरी के प्रधानाध्यापक भाई योगेश पंत जी, हमारे बीच समाज सेवी के रूप में उपस्थित पिंगलीनाग मंदिर के पुजारी आदरणीय श्री विनोद प्रकाश पंजी, आ जाओ। समस्त हमारे एसएमसी के सदस्यगण, अभिभावक, मेरे आज हमसे विदा ले रहे हैं हमारे कक्षा 8 के मेरे प्रिय बच्चों, और इस विद्यालय में अध्ययनरत मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज तक हम परीक्षाफल बांटते थे तो एक बड़ा हर्षोल्लास रहता था, चाहे 8 वाले विदा भी होते थे तो, परंतु आज थोड़ा सा, जैसा कि मौसम ने भी अपनी उपस्थिति में ये जाहिर किया, एक
10-15 मिनट के लिए अपने इंद्रदेव ने भी अपने आंसुओं से यहाँ पर संकेत दिया वर्षा के रूप में, अपने आंसुओं को वर्षा के हमारे बीच से हमारी प्रधाना अध्यापिका मैम जो हैं अपने सेवाओं को पूर्ण कर चुकी हैं। मैं उन्हें इस अवसर पर बहुत 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 बधाई दूंगा कि मैम यह एक ऐसा समय है कि जिसको पार करना बहुत ही बहुत कठिन है। आए दिन एक ओर से गवर्नमेंट हमसे कहती है कि वीडियो में सूचनाएं दो, नेट में डालो, दूसरी ओर से हम पे दबाव होता है कि आप स्कूल में मोबाइल नहीं लेंगे, कैसी डुप्लीकेसी है देखो ना। तीसरे नंबर पे है वो जो पिछले बार फेल था वो बच्चा है, उसने बहुत अच्छा अपना कवर किया है, वो है गोविंद। खड़े हो जा भैया, था देखो ऐसा होता है जो बच्चा छमाई में एक पावनी थी दिया थी, लेकिन पावनी ने अपना स्थान पीछे हटा दिया, वो इस बार किसी स्थान पर नहीं, लेकिन दिया जो है 750 नंबर लेके दूसरे स्थान पर रही। दिया खड़े हो जाए, नाम आता तो खड़े हो जाए। 785 नंबर है और पहले स्थान पर रहा पंकज कुमार, ये धौलकटिया से तेरे घर से तो आए हैं, घर से आए हैं ना, ये पहले नंबर पर रहा 834 पर। आप विडंबना क्या है देखो, फर्स्ट कहां से शुरू है, 834 में हमारा स्कूल का ये बच्चा कक्षा 6 का प्रथम बच्चा, अर्थात कक्षा 6 में कोई भी बच्चा हमारा फर्स्ट नहीं है, वैसे फर्स्ट नहीं है, ठीक है ना, समझ। फर्स्ट सेकंड थर्ड के उन्होंने अपना स्थान बना के रखा, उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया, जो जिस स्थान पे था उसने अपने को उसी स्थान पे कायम रखा। तो यहां पर तीसरे स्थान पर 925 नंबर इस बार लेके आई है, क्योंकि 840 से ऊपर वाले फर्स्ट है, वो फर्स्ट भी है और 925 है, लेकिन कक्षा में उसका तीसरा स्थान है। इसके पापा कहां बैठे, हाँ पुरंदा ये है फर्स्ट, लेकिन कक्षा में स्थान इसका तीसरा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आरुषि आप खड़े हो जाइए, अब तेरे पापा से कहा सीधा तेरा ही नंबर है, एक में भी तीसरे नंबर देती, तो 925 है, 840 से ऊपर के सब बच्चे फर्स्ट है, 925 में अगर हमारा तीसरे नंबर का बच्चा है तो इसका मतलब सभी फर्स्ट ही है, तो इसलिए जो है ये कक्षा में इसका स्थान तृतीय है लेकिन वैसे फर्स्ट है, तो आरुषि हमारे तीसरे स्थान पर एक स्थान बैठ जा बेटा। और दूसरे स्थान पर भी तेरे तो मम्मी पापा आए ही रिजल्ट नहीं हुआ मैं घर के लिए। दूसरे नंबर पर 947 नंबर लेके प्रियांशु हमारा दूसरे स्थान पर रहा, ये कक्षा में फर्स्ट है लेकिन इसका कक्षा में ये अपने अपने रिजल्ट के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से फर्स्ट है लेकिन कक्षा में इसका दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान पर 1093 नंबर लेकर के सजनी खान रही है। भी हमारा रिजल्ट जैसा छमाई में था वैसा ही रहा कि तीसरे स्थान पर 931 नंबर लेके अपनी कक्षा में फर्स्ट है लेकिन रिजल्ट कार्ड में फर्स्ट है इसके परसेंटेज के नंबर, लेकिन कक्षा में इसका तीसरा स्थान रहा, यह है मास्टर सागर जी, लेकिन वहां मैंने हमारा नाम रद्द करा दिया। और दूसरे स्थान पर रहे हैं भाई पवन जी 968 अंक लेकर के, और है ये भी फर्स्ट। और प्रथम स्थान पर भाई दीपक रहा है 1012 नंबर लेकर के आए हैं, वो आज बुखार के कारण नहीं है, उनकी मम्मी कहीं जरा खड़े हो जाएं। अब इसी प्रकार से मैं जो तीसरे नंबर पर रहा 968 अंक लेकर के वो रहा पवन, एक छमाई में भी यही लोग थे। और जो पूरे विद्यालय को टॉप करने में दूसरे नंबर पर रहा वो रहा दीपक, वो अभी आए नहीं, दीपक की मम्मी जरा खड़े हो जाइए पता भी चले आपका बच्चा है। और पहले स्थान में टॉप किया जिसने पूरा विद्यालय टॉप कर रखा है वो है कुमारी सजनी जी 1093 नंबर लेकर के आप टॉप आए। अब हम रिजल्ट हमारी प्रधान अध्यापिका हमें इस मंत्र का संचालन कर रहे जूनियर हाईस्कूल के अब जो इस स्कूल के प्रधानाध्यापक बन चुके हैं, ये ऐसा होता है सीनियर स्कूल का
इसके साथ ही सारा प्राइमरी का स्टाफ, भोजन माता, आंगनबाड़ी, सभी लोग हम मिल करके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, ये है हमारे यहाँ विद्यालय की प्रधानाचार्य मैम, जिनका आज यहाँ कार्यकाल पूरा हो गया है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे गार्जियन हैं, बच्चे हैं, और विशेषकर मेरे स्टाफ के हैं, पंजी हैं, बोरा जी हैं और भोजन माता जी हैं, इन लोग का पूरा मेरे साथ बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। बहुत उन्होंने मुझे सहयोग किया, दुख सुख में हर चीज़ में मेरा साथ दिया। इन्होंने कोई कमी कहीं पर नहीं। मैं इन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों का खूब अच्छा घर बार रहे, खूब अच्छा हो आगे को। और साथ ही में हमारी ब्लॉगर है जो तो दोस्तों, मैं भी मैम को ज्यादा जानती नहीं थी। मैं भी जब आई थी ना वो बाल मिला, तब से ही आपको जानती थी, लेकिन आप मुझे तब से बहुत अच्छे लगे सच में। और हम जब भी बेरी नाग आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे, कभी भी हम आपके घर में घुस सकते हैं, डेरा डाल सकते हैं। हाँ, तो मैम बहुत अच्छी है। तो आज मैम आप जा रहे हो ना, लेकिन आप हो ये, आप हम सबके बीच में हो, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, आप आते भी रहोगे यहाँ, ठीक है? हम बुलाएंगे आपको, तो आप जरूर आओगे पक्का? बिल्कुल आऊंगी, जब भी कोई काम हो आप, हम बुलाएंगे, आप जरूर आओगे। जरूर आऊंगी, ठीक है, इसी बहाने आया जाएगा दोबारा, मुझे स्कूल के दर्शन जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, स्कूल में आओगे, हमारे घर में आओगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बाय। तो गाइस, अभी सारे बच्चे नमकीन बिस्किट मिठाई खा रहे हो ना, कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैम जा रही है, गंदा? अभी तो कहने वाली थी अच्छा, पक्का गंदा लग रहा है ना? मैम अच्छी है ना? तो यहाँ अभी सारे बच्चे खा रहे हैं, सबने खा लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ के सारे, यहाँ पे सारी प्लेट्स लगी हुई थी, तो अब सबने खा लिया है। अब हम भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में घर को। तो यहाँ पर मैम से अभी मिलने का चल रहा है, सब मैम से मिल रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ आज मैम की विदाई होगी यहाँ पर, तभी ढोल मंगाए हुए हैं ताकि बहुत धूमधाम के साथ मैम की विदाई हो। तो अभी थोड़ी देर में मैम जाएंगी। मजेदार वो विदाई हो रही है आपकी, तो गजब वाली ढोल थमाओं के साथ। Thank you.
दर्शक थे आज के। हर्षोल्लास के साथ जा रही है, बहुत सारी यादों को और बहुत सारे लोगों के साथ को अपने साथ लेके जा रही है। तो ये बहुत बड़ी घड़ी है। राजा छोड़ने के लिए जा रहे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको भी ले जाओ, ले जाओ इसको भी, जा जा नानू के साथ काला सिला में, रुक जाना। बाय मैम, मिस यू। जहाँ जहाँ पे गाँव आएंगे ना वहाँ पे बजाना। यहाँ पर सारे बच्चे और उनके अभिभावक, मामी वाले हैं ना, वहाँ पीछे मामी लोग भी आए। तो अभी जा रही है मैम, बाय बाय बाय। तो मैम गई अभी, अब मैम जाएंगी बेरीनाग। और यहाँ पर सारे बच्चे और उनके अभिभावक हैं। अब बच्चे जाएंगे स्कूल को और हम भी जाते हैं अब घर को। तो गाइस वहाँ पहुँच गई गाड़ी और मैम अभी भी वहाँ से भी बाय बाय बोलने में। कैसी लगती है आपको मैम? अच्छी है। मैम से जाएंगे बेरीनाग मिलने, ठीक है। गाइस मैम गई, मुझे भी सच में बहुत बुरा लगा क्योंकि मैम को थोड़ा बहुत जानने लग गई थी, मैम के साथ थोड़ा मैंने भी समय व्यतीत किया है। तो मैम बहुत अच्छी थी और मैं इस व्लॉग को आज सिर्फ यहीं तक बनाऊंगी क्योंकि अगर जब मैम देखे इस व्लॉग को तो मैम को अपनी सारी जो पुरानी याद होती है वो मैम याद कर सके और ये व्लॉग यहीं तक रहेगा आज। तो बहुत लंबा भी व्लॉग हो गया था। तो यही मैम मैं भी ये आपसे कहना चाहूँगी कि आप मुझे बहुत याद आओगे, लेकिन हाँ मैं जब भी आऊँगी बेरीनाग आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो हम सब, मैं, दीदी और दिव्यांशी मैम के भी बहुत क्लोज हो चुके थे। तो बहुत अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी है मैम। तो यही तक ब्लॉग रखते हैं। तो दोस्तों यही था मैम की विदाई का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे।